पाकिस्तान में हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाने के बाद उनकी सरकार विरोधी गतिविधियों को शुरू हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री पद पर रहते उनके कई नए घोटाले, कोच में भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार और सेना विरोधी बयानबाजी के चलते इमरान लगातार पाकिस्तान में सेना और सरकार के निशाने पर बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें अदालत से पकड़ लिया था और अज्ञात स्थान ले गए थे। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। अब इमरान की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अराजकता की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अंततः लड़ाई ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। सेना पर हमला कर इमरान खान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, तो पाकिस्तान की संसद ने इमरान की फांसी की मांग कर यह साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। निशाने पर सुप्रीम कोर्ट भी है, जिस पर इमरान के पक्ष में नियमों को ताक पर रखकर फैसले देने का आरोप है। पाकिस्तान की लड़ाई सड़कों अदालतों से होते हुए जब संसद पहुंची तो विपक्ष के नेता रियाज अहमद ने इमरान को सबके सामने फांसी देने की मांग कर डाली। उनका आरोप था कि इमरान देश तोड़कर ही रहेंगे। इस काउंटर अटैक की लपेट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ गए। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियल के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनकी जांच संसद से गठित कमेटी से कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पाकिस्तान की सरकार चीफ जस्टिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रही है। उधर कोर्ट का रुख इमरान और उनकी नई पत्नी बुशरा बीबी पर इसके बावजूद मेहरबान रहा। बुशरा बीबी को 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई है। उधर सरकार में शामिल राजनीतिक दल पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जमकर हंगामा किया। हालांकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो, लेकिन प्रदर्शन रोकने पर पीडीएम के नेता सहमत नहीं हुए। पूरे पाकिस्तान में सड़क पर ही कानून को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। हालांकि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना भी निशाने पर है। सेना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पाकिस्तान की सत्ता में अहम भूमिका निभाने वाली पाकिस्तानी सेना के अगले कदम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऐसे में फिलहाल अराजकता के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को राहत मिलती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बायस्कोप। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। पाकिस्तान में हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाने के बाद उनकी सरकार विरोधी गतिविधियों को शुरू हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री पद पर रहते उनके कई नए घोटाले, कोच में भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार और सेना विरोधी बयानबाजी के चलते इमरान लगातार पाकिस्तान में सेना और सरकार के निशाने पर बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें अदालत से पकड़ लिया था और अज्ञात स्थान ले गए थे। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। अब इमरान की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अराजकता की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अंततः लड़ाई ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। सेना पर हमला कर इमरान खान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, तो पाकिस्तान की संसद ने इमरान की फांसी की मांग कर यह साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। निशाने पर सुप्रीम कोर्ट भी है, जिस पर इमरान के पक्ष में नियमों को ताक पर रखकर फैसले देने का आरोप है। पाकिस्तान की लड़ाई सड़कों अदालतों से होते हुए जब संसद पहुंची तो विपक्ष के नेता रियाज अहमद ने इमरान को सबके सामने फांसी देने की मांग कर डाली। उनका आरोप था कि इमरान देश तोड़कर ही रहेंगे। इस काउंटर अटैक की लपेट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ गए। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियल के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनकी जांच संसद से गठित कमेटी से कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पाकिस्तान की सरकार चीफ जस्टिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रही है।
उधर कोर्ट का रुख इमरान और उनकी नई पत्नी बुशरा बीबी पर इसके बावजूद मेहरबान रहा। बुशरा बीबी को 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई है। उधर सरकार में शामिल राजनीतिक दल पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जमकर हंगामा किया। हालांकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो, लेकिन प्रदर्शन रोकने पर पीडीएम के नेता सहमत नहीं हुए। पूरे पाकिस्तान में सड़क पर ही कानून को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। हालांकि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना भी निशाने पर है। सेना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पाकिस्तान की सत्ता में अहम भूमिका निभाने वाली पाकिस्तानी सेना के अगले कदम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऐसे में फिलहाल अराजकता के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को राहत मिलती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप।